चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त, मेरे इस चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि पता है, हम पिछले वीक से करियर के बारे में वीडियोस बना रहे हैं और करियर के बारे में इंफॉर्मेशन मैं आप तक दे रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे MBA एज अ करियर। बहुत सारे लोगों का एक सपना होता है कि मुझे MBA करना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे MBA करना है और भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से, बहुत अच्छे स्पेशलाइजेशन में करना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे MBA एज अ करियर और MBA करते समय कौन सा करियर हमें चूज करना है, कौन सा करियर हमें चूज नहीं करना है, इस सब के बारे में हम आज ज़रूर सोचने वाले हैं। तो मेरे सब दोस्तों को मेरी एक दरख्वास्त है, अभी तक भी आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ में जो भी बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस करो ताकि आपको इस प्रकार के वीडियोज़ फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सोचेंगे MBA एज अ करियर। बहुत सारे लोग MBA करना चाहते हैं और बहुत सारे लोग अच्छे इंस्टीट्यूट से MBA करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में वीडियो लाइक करो, शेयर करो और उसके बारे में कमेंट करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, देखते हैं हम क्या है। वंस अगेन, मैं आप सभी का मेरे इस एकेडमिक इनसाइट्स ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत करता हूँ। साथ में अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में ये जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस करो ताकि इस प्रकार के वीडियोस आपके पास हमेशा आते रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करो और उसके साथ में वीडियो के बारे में कमेंट करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे MBA और उसके स्पेशलाइजेशंस। जैसे कि मैंने बोला कि इंडिया में 10 ये जो 10 स्पेशलाइजेशन दिख रहे हैं काफ़ी पॉपुलर हैं और बहुत सारे लोग जो MBA करते हैं वो लोग इस स्पेशलाइजेशन को प्रेफर करते हैं। तो हम पहले देखेंगे कौन से स्पेशलाइजेशन है जो ज़्यादा इंडिया में पॉपुलर हैं और इंडियन स्टूडेंट उनको करना चाहते हैं, और उसके बाद उसका वो करियर डिसाइड करते हैं। तो मुझे आप सबसे एक दरख्वास्त है, क्योंकि आपका MBA और आपका MBA के बाद होने वाला करियर, ये दोनों साथ में चलते हैं। जो भी आप करियर करना चाहते हो उसी हिसाब से आपको MBA का स्पेशलाइजेशन लेना है। अगर आपका करियर अलग जा रहा है, अगर स्पेशलाइजेशन अलग जा रहा है, तो आपको काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। तो मेरी एक आपसे दरख्वास्त है, पहले आपको करियर के बारे में सोचना है। सपोज मुझे करियर करना है फाइनेंस में, फाइनेंशियल सेक्टर में करना है, अकाउंट में करना है, टैक्सेशन में करना है, तो मुझे पहले ये मेरे दिमाग में होना चाहिए कि मेरा करियर जो है इस पर्टिकुलर फील्ड में जा रहा है, इस पर्टिकुलर सेक्टर में जा रहा है, तो उसी हिसाब से मुझे स्पेशलाइजेशन चूज़ करना है। तो मैं आपको सिर्फ पहले MBA के स्पेशलाइजेशन के बारे में बोलूँगा। इंडिया में 10 प्रकार के स्पेशलाइजेशन हैं जो हम ऑलवेज देखे जाते हैं, जो लोग काफ़ी प्रेफर करते हैं, वो है फाइनेंस, वो है IT, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, रूरल मैनेजमेंट है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट है, HRM है जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है, बिजनेस मैनेजमेंट है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट है और इवेंट मैनेजमेंट है। ये सारे स्पेशलाइजेशन इंडिया में काफ़ी चलते हैं, बहुत सारे लोग इनको ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना करियर इस पर्टिकुलर फील्ड में करना चाहते हैं। तो मुझे आपको एक बात ज़रूरी यहाँ पर बताना है, वो बात ये है कि जब भी आप MBA के बारे में सोचोगे तो आपके दिमाग में पहला सवाल ये होना चाहिए कि मुझे किस सेक्टर में, किस फील्ड में करियर करना है। आपके करियर के हिसाब से आपको स्पेशलाइजेशन चूज़ करना है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने स्पेशलाइजेशन चूज़ किए इसलिए उस करियर में जा रहे हो। आपका करियर पहला है और करियर के हिसाब से आपको उसका स्पेशलाइजेशन चूज़ करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों को ये पहला मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले आपको करियर के बारे में सोचना है, उसके बाद ही हमें स्पेशलाइजेशन के बारे में सोचना है। अगर आपका करियर प्लानिंग फिक्स्ड है, करियर कन्फर्म है कि मुझे इसी सेक्टर में जाना है, तो आपको स्पेशलाइजेशन लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो भी स्पेशलाइजेशन है उसके हिसाब से आपका करियर होता है। जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला है कि आपको पहले करियर के बारे में सोचना है, उसके बाद ही आपको अपने MBA स्पेशलाइजेशन के बारे में सोचना है। जैसे कि मुझे अगर मेरा करियर IT सेक्टर में करना है तो मुझे स्पेशलाइजेशन लेना पड़ेगा IT। अगर मेरा करियर मुझे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में करना है तो मुझे स्पेशलाइजेशन लेना पड़ेगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर मेरा करियर मुझे फाइनेंस में करना है तो मुझे स्पेशलाइजेशन लेना पड़ेगा फाइनेंस। अगर मेरा करियर मुझे मार्केटिंग में करना है तो मुझे स्पेशलाइजेशन लेना पड़ेगा मार्केटिंग मैनेजमेंट। अगर मेरा करियर मुझे ऑपरेशन मैनेजमेंट में करना है तो मुझे स्पेशलाइजेशन लेना पड़ेगा ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो इसलिए मैंने पहले ही शुरू में ही बोला था कि आपका करियर और आपका स्पेशलाइजेशन ये दोनों साथ में चलेंगे।
जिस प्रकार से आपका करियर होगा उसी प्रकार से आपका स्पेशलाइजेशन फाइनल हो जाएगा। तो यही आपको याद रखना है। मुझे लगता है ये वीडियो जो मैंने आपको बोला, इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बोली हैं, वो चीज़ें हैं आपका स्पेशलाइजेशन और आपका होने वाला करियर। तो पहले जब भी आप MBA के बारे में सोचेंगे, जब भी आपको MBA के स्पेशलाइजेशन के बारे में सोचेंगे, तो आपको सोचना है आपका करियर, और आपके करियर के हिसाब से आपको स्पेशलाइजेशन चूज करना है। मुझे लगता है ये वीडियो आपको सभी को पसंद आया होगा। अगर मेरा इस वीडियो आपको सभी को पसंद आया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार की वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। ये वीडियो लाइक करो और साथ में ये वीडियो आपके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करना है, इस वीडियो के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना है, ताकि आगे जाके हम फ्यूचर में इसको और अच्छी तरह से इम्प्रूव कर पाएंगे। मुझे लगता है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया के कौन से टॉप 10 कॉलेजेस हैं जहाँ से हम MBA कर सकते हैं, उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।